हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ये है सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। सो सेंसेक्स यानी एक 30 कंपनीज का लिस्ट होता है सेंसेक्स में, और निफ्टी यानी एक 50 कंपनीज का लिस्ट होता है एक डिफरेंट प्रोपोर्शन के साथ। सो सेंसेक्स और निफ्टी जो है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सेंसेक्स 500 पॉइंट्स बढ़ गया या सेंसेक्स 500 पॉइंट्स नीचे गिर गया, इससे क्या रिटेल इन्वेस्टर को फ़र्क गिरता है? ना ही रिटेल इन्वेस्टर को कोई फ़र्क गिरता है, ना ही इससे कोई इन्वेस्टर को फर्क गिरता है, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ शेयर्स के बारे में बताता है। वो इंडेक्स है एक, सिर्फ सेंसेक्स यानी सिर्फ इंडेक्स है, निफ्टी यानी वो एक सिर्फ इंडेक्स है। लेकिन अगर एज ए इन्वेस्टर अगर आप देखने जाओगे तो आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और वो जो कंपनी है वो मे बी सेंसेक्स का पार्ट हो सकता है, या फिर वो जो सेंसेक्स का जो 30 कंपनीज है या फिर निफ्टी का जो 50 कंपनीज है, मे बी वो कंपनी का पार्ट नहीं होगा, कोई और कंपनी होगा जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। सो एक इन्वेस्टर जो है, भले ही रिटेल इन्वेस्टर हो या कॉरपोरेट इन्वेस्टर हो, वो जो है कभी सेंसेक्स और निफ्टी जो है ये न्यूज़ चैनल्स में ही ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखोगे सो सेंसेक्स निफ्टी अप एंड डाउन होने से कुछ इम्पैक्ट होता नहीं है। आपको जो है आपने जिस कंपनी का शेयर्स खरीदा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, और उसके ऊपर फोकस करना है कि उसका वैल्यूएशन क्या है, और वो वैल्यूएशन के नीचे जा रहा है या वैल्यूएशन से ऊपर जा रहा है। अगर वैल्यूएशन के नीचे जा रहा है तो आप और शेयर खरीद सकते हैं, अगर वैल्यूएशन के ऊपर जा रहा है तो आप वेट कर सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए सेंसेक्स और निफ्टी का कोई रेलेवेंस नहीं होता है। एक इन्वेस्टर के लिए जो है उनको सिर्फ उनका कंपनी, जो कंपनी का शेयर्स उन्होंने खरीदा है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है, और वो फोकस भी जो है प्राइस अप एंड डाउन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, उनको फोकस करना चाहिए कंपनी का वैल्यू के नीचे गया है कि नहीं उसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए, ना कि प्राइस के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।